हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के टॉप 10 सवाल जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए, अपने दोस्तों को बताइएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा। बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, रमेश तथा सतीश की वर्तमान आयु क्रमश 40 वर्ष तथा 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से मैं बताने वाला हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, रमेश सतीश की वर्तमान आयु हमें पता है 40 और 60 है, तो हमने लिख लिया रमेश और सतीश की वर्तमान आयु 40 और 60 है। अब हमें ये नहीं पता कितने ईयर पहले इनकी एज का रेशो ये था, तो हम मान लेते हैं x ईयर पहले इनकी एज का रेशो ये था। ठीक है, वही तो निकालना है कि कितने ईयर पहले इनकी एज का रेशो ये था, तो हमने माना x ईयर पहले इनकी एज का रेशो ये था। तो दोनों में से इनकी प्रेजेंट एज में से अगर मैं x x माइनस कर दूं तो ये इस रेशो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 3:5 के इक्वल हो जाएगा ना भाई इनकी एज, तो हम मैंने इन दोनों में से एक्स एक्स माइनस कर दिया तो अब ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई की, 5 के ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा 200, इधर करेंगे 5 एक्स हो जाएगा माइनस का, इधर करेंगे 3:60 में तो 180 और 3:x में करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। तो x वालों को एक साइड में लेके आएंगे, कितना हो जाएगा 5x और 3x को माइनस करेंगे तो 2x बचेगा और इधर आके कितना हो जाएगा आपका 20, तो x की वैल्यू आपकी 10 आ गई। यानी कि ये 10 साल पहले इनकी आयु का जो रेशियो था वो 3:5 था। ठीक है, तो एक मेथड तो आपका ये हो गया, अच्छा है, बिल्कुल इजी है और इस टाइप का क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में आ सकता है क्योंकि रेलवे के कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो ALP और टेक्नीशियन में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए एक मेथड और देख लेते हैं, इसका बहुत ही आसान है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने रेशो बना लिया है, पहले ही मैं आपको पढ़ा देता हूँ क्वेश्चन। रमेश तथा सतीश की जो वर्तमान आयु है 40 और 60 है। ठीक है, रमेश और सतीश की वर्तमान आयु का रेशो कितना हो जाएगा भाई, ये इनका रेशो मैंने बना लिया कैसे, 40 और 60 था रमेश और सतीश की आयु का, तो 0 से 0 कट जाएगी, 2 से कट जाएगा 2 बार और ये 3 बार, तो इनकी एज का मैंने प्रेजेंट का रेशो कितना बन गया, 2 और 3 बन गया। ठीक है, और जो एक्स ईयर बाद जो इनका रेशो है, यानी कि कितने ईयर पहले इनकी एज का रेशो ये था, तो वो मैंने इनके नीचे लिख लिया 3 और 5। अब आप इनमें क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, एक साइड में आपका 2 आ रहा है और एक साइड में आपका 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 है, तो इधर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब ये जो डिफरेंस है हमें ये इक्वल करना पड़ेगा, यही इसमें बस कॉन्सेप्ट है। अगर ये इक्वल होता तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो चुका था और आप इसको विद इन सेकेंड कर लेते, बट जब इक्वल नहीं होता है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं इस ट्रिक के बारे में कि इस ट्रिक में अगर जब इक्वल नहीं होता है, जब इनका डिफरेंस सेम नहीं आता है तब क्या करते हैं, तो तब आपको करना है इनका इधर से और इधर से ने लिया डिफरेंस 1 और 2 आया, तो 1 की दोनों की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 की इधर दोनों में ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 की ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा 4 और ऊपर करेंगे इधर कितना हो जाएगा 6, और ये तो इतना ही रहेगा 3 और 5 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद आप इसको भूल जाएंगे, ठीक है, इसको भूल जाइए, अब आपका क्वेश्चन होगा यहां से स्टार्ट। ठीक है, अब मुझे ये बताइए राजेश और ये क्या नाम है इनका, देख लेते हैं एक बार, रमेश और सतीश जो है, और R और S मैंने लिख लिया। ठीक है, रमेश और सतीश जो है इनकी प्रेजेंट एज कितनी है, 40 और 60 है, तो मैं इस 4 को 40 कैसे बना सकता हूँ 10 की मल्टीप्लाई करके। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई करके मैंने इसको 40 बना लिया, 10 की दर करके इसको 60 बना लिया, इनकी प्रेजेंट एज हमें पता चल गई। तो अब आपको क्या पता चल गया कि इनका जो डिफरेंस है 1 है। ठीक है, तो इधर भी हमें 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये कितना हो जाएगा 30, और इधर भी हमें 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 50। तो डिफरेंस कितना आया इनके बीच का, 10 आया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऊपर वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चों को ऊपर वाला मेथड ही अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा है आपका, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये ऊपर वाले से ईजी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे स्टेप जो है स्किप करने होते हैं, कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन का आंसर लगाना स्टार्ट कर देते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर
लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सीधा सीधा 40 कैसे बनाएंगे, बस आपने ये देखा यहाँ पे 40 कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है आर की एज जो है 40 है, ठीक है। तो 40 का बनाने के लिए आपने 10 की मल्टीप्लाई की, अगर 10 की यहाँ पे होगी तो यहाँ पे भी होगी, 10 की यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी, क्योंकि हमें पता चलेगा 10 की मल्टीप्लाई करने से एज बन रही है, तो सबकी एज तभी बनेगी। डिफरेंस दोनों का इस साइड में 1 ही होना चाहिए, यानी कि कोई भी हो चाहे 2 हो चाहे कुछ भी हो, दोनों का साइड में इक्वल होना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप पहला मेथड यूज करिए, आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है आपका, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसके दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें मैं दोनों ही कराने वाला हूं। पहले इसको देख लेते हैं, ये उससे आसान है। किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव्य रखा है, जिसमें 5 लीटर द्रव्य निकालकर उतना ही दूसरा द्रव्य डाल दिया जाता है, और यह क्रिया 3 बार की जाती है, अंत में बर्तन में पहले द्रव्य की मात्रा कितनी रह जाएगी। मतलब कि एक बर्तन है, उसमें कुछ भी आप द्रव्य मान लीजिए, कोई भी लिक्विड रखा है, गैस जो भी है उसमें, उसमें से 50 लीटर टोटल है वो, उसमें से 5 लीटर द्रव्य निकाला गया और उतना ही दूसरा द्रव्य डाल देगा, फिर 5 लीटर निकाला गया फिर दूसरा डाल देगा, फिर 5 लीटर निकाला गया फिर दूसरी तीसरा डाल देगा। तो इसका मतलब आपने 3 बार इस क्रिया को किया। अब पूछा है कि फाइनल में, अंत में बर्तन में पहले वाला द्रव्य की मात्रा कितनी रह जाएगी। तो आपके लिए इसको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, बस इस ट्रिक को याद रखिए, सारे क्वेश्चन इस टाइप के हो जाएंगे। एक्स ब्रैकेट 1 माइनस वाई अपॉन में एक्स, और एन यहाँ पे होगा जितनी बार भी रिपीट करने के लिए, 3 बार बोले तो 3 बार, 4 बोले बार बोले तो 4 बार, 2 बार बोले तो 2 बार। ध्यान रखिएगा ये वाला, चलिए इससे नेक्स्ट वाले में क्लियर करूंगा और चीजें, मैं अभी यहाँ पे इस फॉर्मूले का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो x यहाँ पे होगा टोटल द्रव्य, तो आपने 50 रख दिया, ठीक है, 1 माइनस, फिर यहाँ पे कितना होगा y का, मतलब है जो आपने निकाला है, जो द्रव्य आप बार बार निकाल रहे हैं उसका हो गया y, और अपॉन में x की मतलब है यहाँ पे टोटल द्रव्य 50। 3 बार कर रहे हैं हम इस क्रिया को, तो 3 हम 3 इस पे पावर लगा देंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 50 ब्रैकेट या आपका 50 की 50 में करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो 45 बटे आपका 50 हो जाएगा और पावर 3 हो जाएगा। तो बस अब आप इसको या तो आप 45 का क्यूब कर लीजिए, या फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि बड़ी, इससे भी कोई बड़ी डिजिट हो सकती है, तो आप इसको 3 बार लिख लीजिए क्योंकि सारी चीज़ें कट जाएंगी, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा वो। तो 50 गुना 45 बटे 50, 45 बटे 50, 45 बटे 50 आपने लिख लिया। तो इसको सोल्व करेंगे कैसे, 50 से 50 कट जाएगा, ठीक है भाई, और यहाँ पे 5 से कट करेंगे 10 टाइम, 5 से कट करेंगे 9 टाइम, फिर 5 से कट करेंगे 10 टाइम और 5 से कट करेंगे 9 टाइम, ठीक है, फिर 5 से कट करेंगे 2 टाइम और ये कट जाएगा आपका 9 टाइम। तो आपका कितना बच गया ऊपर 999 और नीचे बच गया आपका 10 और 2, तो 99 यानी कि 9 का आपका करेंगे क्यूब तो कितना हो जाएगा 729 आपका हो जाएगा, ठीक है। 9 की 9 में फिर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई 9 में, तो कितना होगा 729 और नीचे बचेगा 10 और 2 की मल्टीप्लाई 20, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 36.45 इज द राइट आंसर। तो ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट जब आपको यूज करना है, जब एक ही द्रव्य को यानी कि 5 लीटर द्रव्य ही बार बार निकाला जा रहा हो, यानी कि एक फिक्स क्वांटिटी बार बार निकाली जा रही है और बार बार ही दूसरी क्वांटिटी डाल दी जा रही हो, यानी कि 5 लीटर निकाला जा रहा है फिर दूसरा डाल दिया जाए, 5 लीटर निकाला जा रहा है दूसरा डाल दिया गया। अब यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि पहली बार 5 लीटर निकाला जाए, दूसरी बार 10 लीटर निकाला जाए, तीसरी बार 15 लीटर निकाला जाए, तब कैसे करना है, तो वो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका, एक पात्र में 60 लीटर अल्कोहल रखा है, उसमें 10 लीटर अल्कोहल निकाला उतना ही पानी डाल दिया जाता है, इसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकाला उतना ही पानी डाल दिया जाता है, पुनः 12 लीटर मिश्रण निकाला उतना ही पानी डाल दिया जाता है, अंत में पात्र में शुद्ध अल्कोहल कितना रह जाएगा। तो ये आपका देखिए 3 बार अलग अलग क्वांटिटी निकाली गई, सबसे पहले आपका 10 लीटर निकाला गया, फिर 15 लीटर निकाला गया, फिर 12 लीटर निकाला गया, यानी कि हर बार तीनों बार अलग अलग क्वांटिटी निकाली गई है। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, बिल्कुल वही फॉर्मूला याद रखना है, इतना फॉर्मूला आपके याद है, x ब्रैकेट 1 माइनस वाई अपॉन में x, तो आपको ये 3 बार यूज कर देना है, बस इतना ही आपको काम करना है। वहां पे हम क्या करते थे, 3 बार एक ही क्वांटिटी को निकाला जा रहा था, तो उसको हम क्यूब कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हर बार अलग क्वांटिटी निकाली जा रही है, तो इसको आप 3 बार इजी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका करते हैं यूज, आप यहाँ पे लिखेंगे 60, ठीक है, क्योंकि टोटल क्वांटिटी है, फिर 1 माइनस 10 अपॉन में 60, पहले वाली क्वांटिटी में बिल्कुल वैसे रखेंगे क्योंकि 10 लीटर निकाला गया, फिर दूसरे में आपका 15 लीटर निकाला जा रहा है तो 1 माइनस 15 अपॉन में 60, फिर तीसरी बार आपका 12 लीटर निकाला जा रहा है तो 1 माइनस 12 अपॉन में 60 आपने 3 बार यूज कर लिया, ठीक है। मतलब वही सेम फॉर्मूला आपने 3 बार यूज किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल है कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसको कर लेते हैं सोल्व, तो सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 60 की 60 में करेंगे और माइनस 10 करेंगे तो 50 अपॉन 60, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 45 अपॉन में 60 और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 48 अपॉन में 60। तो जितनी चीज़ें कट हो सकती है उसको कट कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपका ये कट जाएगा, देखिए 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है, ये आपका कट जाएगा 5 से 9 टाइम और 5 से 12 टाइम, ठीक है, यहाँ पे 2 से कट जाएगा 24 टाइम और ये कट जाएगा आपका
टू से 30 टाइम, ठीक है। और जो चीज़ें कटेंगी उसको बाद में कट कर लेंगे। फिर हमने लिखा 65/6 और यहाँ पे बचा था आपका 9/12, तो 9/12, और यहाँ पे बचा था आपका 24/30, तो 24/30 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अभी यहाँ से देखिए, जैसे ये कट गया आपका 6 से 60/10 टाइम, ठीक है। तो अभी इसको यहीं छोड़ते हैं। फिर आपका ये जो चीज़ें कट सकते हैं, जैसे 3 से ये कट गया 3 × 9, और 3 से ये कट गया 10 टाइम, ठीक है। फिर ये 2 से आपका कट जाएगा, जो चीज़ें कट हो ये कट जाएगा, जैसे 5 टाइम, मतलब सारी चीज़ें कट जाएगी इसमें, 12 से ये 24 कट जाएगा 2 बार। तो जो भी चीज़ें कट हो सकती हैं उसको कट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, देखिए लास्ट में ये बचेगा आपका 5 × 3 × 2। सब कुछ नीचे खत्म हो चुका है, ऊपर बचा 5 और 3 और 2, तो 5 × 15 और 15 × 2 में करेंगे 30, तो 30 लीटर आपका बचेगा लास्ट में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो पूछा था क्वेश्चन में कि अंत में पात्र में शुद्ध अल्कोहल कितनी रह जाएगी जब ये अलग अलग क्वांटिटी निकाली जा रही है और दूसरा क्वांटिटी उसमें डाली जा रही है। तो लास्ट में आपका 30 लीटर बचेगा, जो कि 60 लीटर शुरू में था, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप उनको इजिली कर लेंगे। और ये क्वेश्चन वो हैं जो मतलब आ सकते हैं डेफिनेटली, मतलब ये क्वेश्चन मैं बहुत बार पहले देख चुका हूँ, आपके ग्रुप डी के इतने सारे पेपर में देख चुका हूँ, इतने सारे सैंपल पेपर देख चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं सारे के सारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है तो टेस्ट सीरीज का भी मैंने आपके लिए इंतजाम कर दिया है, एक टेस्ट सीरीज का बहुत ही जो सस्ती भी है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत टेस्ट सीरीज देखी जो 500 600 700 रुपए में होती है, तो मैंने उनको बिल्कुल भी, बहुत सारे ऑफर आते थे मेरे पास में कि हमारी टेस्ट सीरीज को आप सेल करवा दीजिए तो आपको हम इतना पैसे दे देंगे, बट मैंने आज तक कोई भी प्रमोशन नहीं किया। बट ये टेस्ट सीरीज मुझे मिल रही है 120 रुपए में, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए 149 में थी, तो मैंने आपके लिए डिस्काउंट करवा के इसको 120 में कर लिया है। अगर आप कहीं बाहर से खरीदते हैं तो आप देख लेना, 149 में ही खरीदेंगे, बट हमारे स्टूडेंट के लिए जो टॉपिक स्टडी फैमिली है उसके लिए ये 120 में है। इसमें 30 टेस्ट होंगे, हिंदी इंग्लिश में होंगे, आप मोबाइल और आप लैपटॉप पे कहीं पे भी दे सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट कैसे मिलेगा, जो नीचे लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, छोटा सा त्रिभुज का निशान होता है, इस पर क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो लिंक होगा उस पर क्लिक करके आपको एक पेज खुल के आएगा जहाँ पे लिखा होगा 149 पे नाउ, ठीक है। 149 आपको पे करने हैं, पे नहीं मतलब पे पे क्लिक करना है, तो आपके पास एक कोड भरने के लिए आएगा कि डिस्काउंट लेने के लिए कोड भरना पड़ेगा। वो कोड है, वो नोट कर लीजिए, SAURABH, ठीक है, और आपका आ जाएगा सौरभ SPL, ध्यान रखिएगा सौरभ SAURABH SPL, ये आपका कोड होगा। इसको यूज करके आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, जिसमें सारे के सारे, सिर्फ ग्रुप डी के वालों के लिए, कोई और मत खरीदिएगा, सिर्फ ग्रुप डी वालों के लिए स्पेशली मैंने बनवाई है, ठीक है। और बाकी डिटेल आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ के मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, 3 ईयर का जो होता है, जो चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाता है, ज्यादातर 2 या 3 ईयर का तो मेरे हिसाब से सभी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 3 ईयर का जो पूछा जाता है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ, 2 तरीके बताने वाला हूँ 3 ईयर के लिए, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। देखिए, जैसे पूछा 12,000 रुपये की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ 3 वर्ष की मिश्र धन क्या होगा, यानी कि मिश्र धन आपको बताना है, यानी कि अमाउंट वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, जिसमें ये 12,000 प्लस जो इंटरेस्ट बनेगा वो प्लस करके आपको बताना है। तो आपको सिंपली 10% 3 बार लगाना है, क्या करना है, 10% 3 बार लगाना है। तो यानी कि 12,000 का आप 10% निकाले, कितना आ गया, 1200, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज वो इक्वल होता है, तो फर्स्ट ईयर में कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता, तो 1200 ही रखेंगे। सेकेंड ईयर में आते हैं, अब सेकेंड ईयर में आपका 1200 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, सेकेंड ईयर में जो पहले ईयर में लगा वो दूसरे ईयर में भी रहेगा, वो तीसरे ईयर में भी रहेगा, बट थोड़ा सा चेंज होगा, इस 1200 पे भी 10% लगेगा, यानी कि 120 ही होगा, तो 1320 हो गया दूसरे ईयर का, ठीक है, 2 साल का आपका काम खत्म हो गया। तीसरे ईयर में आपको क्या करना है, इस 1200 को, तो ये 1200 तो लगेगा ही लगेगा फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड में भी, अब आपको क्या करना है, इस 1200 और 1300 पे भी 10% लगेगा, यानी कि 2520 रुपये पे 10% लगेगा, 252 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा, 1200 और 252 कितना हो जाएगा, 1452, ये आपका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा। इन सभी को प्लस कर लीजिए, कितना होगा, 3972, तो ये आपका हो जाएगा इंटरेस्ट। बट यहाँ पे क्या पूछा, मिश्र धन, ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे इसको भी आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन में ये भी आंसर मिलेगा, ठीक है, एग्जामिनर को पता है कि आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं,
तो मिश्र धन आपका क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज जितना भी होता है। तो मूलधन हमारा 12,000 था, ब्याज कितना है 3,972, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो आंसर होगा आपका 15,972। एक मेथड तो आपका 3 ईयर का इंटरेस्ट निकालने का ये हो गया, इससे आप 2 ईयर का भी सीख गए होंगे। ठीक है, अगर 2 ईयर का निकालना है तो बस आपको यहीं पर रुक जाना था। ठीक है, बस इतना ही आपको ऐड करना था, ये आपका आंसर हो जाता 2 ईयर के लिए। अब 3 ईयर में आपने ये कर दिया। एक और मेथड देखिए, वो भी बहुत अच्छा है, मुझे दोनों ही मेथड अच्छे लगते हैं, आपको जो भी अच्छा लगेगा आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका। इसमें एक ट्रिक होती है और वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। रुपीज 4,500 इज, यानी कि मतलब रुपीज 4,500 की राशि 16% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है, 9 महीने के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली, बताऊंगा भी सारी चीजें, हो तो मिश्र धन की राशि बताओ। मिश्र धन आपको यहाँ पे निकालना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बारीकी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको। अगर ये समझ गए तो आप समझिए चक्रवर्ती ब्याज आपने यहीं पे ही पढ़ लिया पूरा का पूरा। ठीक है, 4,500 की राशि दी गई है 16% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, कितने के लिए, 9 महीने के लिए दी गई है। ठीक है, और जो ये है ना 16% चक्रवर्ती ब्याज दर, ये आपका मंथली नहीं है, ये पूरा ईयरली है, 16% ईयरली है और पूरे साल का नहीं, यहाँ पे 9 महीने का ही आपको उधार दी गई है। और जो इंटरेस्ट लगेगा, जो इंटरेस्ट रेट लगेगा, वो क्वार्टरली लगेगा। क्वार्टर पता है आपको क्या होता है, क्वार्टर होता है आपका 3 महीने का एक होता है क्वार्टर। ठीक है, यानी कि 3 महीने के एक पोर्शन को हम बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है, तो 9 महीने में कितने क्वार्टर बन गए, 3 क्वार्टर बनते हैं, यानी कि पूरे टोटल 12 महीने में आपके 4 क्वार्टर होते हैं और 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, तो आपका 3 महीने का 1 हो गया, यानी कि आपको 9 महीने में 3 क्वार्टर, यानी कि आपका कितने ईयर का बन गया, 3 ईयर वाला इंटरेस्ट रेट आपको लगाना है, यानी कि 3 बार आपको इंटरेस्ट रेट लगाना है, पहली बात। दूसरी बात, अब जो 16% है ये आपका पूरे ईयर का है, पूरे ईयर का, यानी कि पर एनम, यानी कि ईयरली जो इंटरेस्ट लगता है वो ईयर का है, तो आपको इसको भी तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीने में 4 क्वार्टर होते हैं, मैंने अभी आपको बताया 3 महीने का 1 क्वार्टर, पूरे 12 महीने में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 16 को आप 4 से भाग करिए, 4% पर यानी कि हर 3 महीने में आपको 4% लगाना है। ठीक है भाई, इस चीज को समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे आगे तो कुछ नहीं है, बस 3-3-1 याद रखना है, क्वेश्चन हो जाएगा, बट यहाँ तक का आपका जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ लीजिए, क्योंकि कई बार यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्वार्टरली, मंथली और ईयरली और हाफ ईयरली, इन चीजों में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। जब हाफ ईयरली बोला जाता है तो हर छह महीने बाद इंटरेस्ट लगता है, जब क्वार्टरली बोला जाता है हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, और ईयरली में आपको पूरा साल में 1 बार ही इंटरेस्ट लगता है, जितने के लिए भी बोला जाए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए, तो यहाँ पे क्वार्टरली बोला गया, तो 9 महीने में 3 क्वार्टर, यानी कि आपको 3 बार इंटरेस्ट लगाना है, यानी कि वो ये 3 ईयर वाला ही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है, और इंटरेस्ट लगेगा 4% का, क्योंकि 16% तो पूरे साल का हो गया ना। ठीक है, तो चलिए अब आपके लिए ट्रिक जो है इसमें 3-3-1 है, यह आपको याद रखना है, 3-3-1 भाई, 3 ईयर का इंटरेस्ट आपको निकालना है तो 3-3-1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4,500 का 4% निकालिए, कितना आया 180, 180 की 3 में मल्टीप्लाई कर दिए 540, तो पहले ये 3 का तो काम खत्म। ठीक है, दूसरे ईयर में आपको 180 का, अब ये 540 हो गया, दूसरे ईयर में जो इंटरेस्ट आया ना उस पर आपको लगाना है। ठीक है, तो 180 का 4% निकालिए, कितना आएगा 7.2 की मल्टीप्लाई 3 में करिए तो कितना हो गया आपका 21.6, तो दूसरे 3 का भी काम खत्म। थर्ड वाला है आपका, इसमें क्या करना है, 7.2 का 4% निकालेंगे तो 0.288 आएगा, इसमें 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो 0.288 ये आपका हो जाएगा थर्ड ईयर का। तो अब आप मुझे बताइए क्या सिंपल लगा या नहीं लगा है, 2-3 क्वेश्चन करके देखे इस मेथड से, आप बोलोगे कि मैं पेन को यूज ही नहीं करता हूं। ठीक है, क्योंकि 3-3-1 और इसलिए मैंने 1 इसमें इसलिए ऐड किया, क्योंकि 3 ईयर का है तो याद रखने में थोड़ा सिंपल रहेगा, क्योंकि 3-3 से आपको शायद कन्फ्यूजन हो जाए कि 2 ईयर का है 3 ईयर का है। ठीक है, तो 3-3-1 मैंने इसलिए रख दिया, क्योंकि 3 ईयर का आप इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन सभी को प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 561.888, ये आपका हो गया इंटरेस्ट। पूछा है मिश्र धन, तो 4,500 आपकी है मूलधन और 561.88 हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5,061.88 इज द राइट आंसर, यानी कि हो जाएगा आपका मिश्र धन, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट के अगर निकालने के लिए आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, जिसने पहली बार भी वीडियो देखी होगी तो उसके भी समझ में आ गया होगा। दोनों ही मेथड अच्छे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, पहले वाला लगे, देखिए अगर थोड़ा सा बड़ी सी अमाउंट दे दी जाए तो आप इसको यूज करिएगा, अगर कोई इजी सी अमाउंट जैसे 12,000, 14,000, 18,000, 24,000, 60,000, 50,000 तो आप सीधी सीधी सी अमाउंट में ऊपर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेस्ट है, उसको यूज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दो बराबर गिलासों में क्रम्स 1/3 तथा 1/4 दूध भरा है, इनमें पानी से भर दिया गया है, दोनों के मिश्रणों को एक टब में उलट देने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया गया था कि दो बराबर बराबर गिलास है, जिसमें एक में तो 1/3 दूध है, एक में 1/4 दूध है, ठीक है। तो गिलास वन गिलास टू में मिल्क जो है, गिलास वन में 1/3 है और गिलास टू में आपका जो मिल्क है वो 1/4 है। अगर ये 1/3 और 1/4 मिल्क है तो बचे हुए में क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि इन्होंने बोला कि वो गिलास फिर पानी से भर दिया गया है। तो 1/3 अगर इसमें मिल्क है तो इसमें बचा कितना, 2/3, ये आपका वाटर हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालते कैसे, देखिए तीन में से एक भाग आपका मिल्क का भरा हुआ है तो बचा हुआ कैसे निकालेंगे, तीन में से एक माइनस करिए तो यानी कि 2/3 आपका वाटर हो गया। ऐसे ही इसमें करेंगे, 1/4 आपका मिल्क है, ठीक है, तो बचा हुआ कितना होगा, चार में से एक माइनस करेंगे तो 3/4 आपका वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप पूछा कि इनको दोनों गिलास को एक टब में उड़ेल दिया जाता है, तो अब बताइए कि दोनों के दोनों जो है जो उसमें डालने के बाद एक टब में, अब मिल्क और दूध का रेशो क्या बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सॉरी, मिल्क वाले को एक साइड में प्लस कर लीजिए इन दोनों को, ठीक है, और वाटर वाले को एक साइड में प्लस कर लीजिए, बस वही रेशो बन जाएगा। तो 1/3 प्लस 1/4 और 2/3 प्लस 3/4, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई, इनका एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा और इधर भी एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, तो इनका एलसीएम लेने के बाद में 4 और 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 चौक 12 और 4 3 12, ठीक है, तो 4 + 3 / 12 और 8 + 9 / 12, तो इनको 12 हटा देंगे दोनों साइड में, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका, 4 और 3 7 और 8 और 9 आपका हो जाएगा 17, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन नंबर से नहीं कट होते हैं, तो यही आपका रेशो बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बताने वाला हूँ, यदि 1 बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में भर जाए तो इस बाल्टी का शेष भाग कितनी देर में भरेगा। 3/7 आपने लिख लिया, ये 3/7 है यानी कि 7 टोटल कैपेसिटी है उस बाल्टी की, यानी कि उसमें टोटल यूनिट 7 पानी आ सकता है और वो 3 पानी उसमें से भर दे, और वो कितनी देर में भरा, 1 मिनट में, यानी कि 7 में से 3 भरने में 1 मिनट लगती है, ठीक है, 7 यूनिट में से 3 यूनिट भरने में 1 मिनट लगती है, तो बचे हुए पानी को कितनी देर में भरेगा। तो बचा हुआ पानी कितना बच रहा है भाई, 7 में से 3 भर दिया, बचा हुआ कितना, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट को कितनी देर में भरेगा, यही आपको बताना है। तो 1 मिनट में तो 3 भर देता है, तो बताना है आपको कितनी मिनट में 4 यूनिट भरेगा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे इनकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं 3x और ये हो जाएगा आपका कितना, 4, तो आपका कितना हो जाएगा, 3x बराबर 4/3 मिनट, इतने मिनट में ये बचे हुए 4 यूनिट को भी भर देगा। तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 मिनट 20 सेकंड, ठीक है, क्योंकि एक बार तो चला जाएगा, 1 मिनट बचेगा कितना, 1/3, इसको आप 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 20, तो 1 मिनट 20 सेकंड में भर जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आप सेकंड भी नहीं लगाएंगे करने में, ठीक है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप एक्स वाई में उलझ के रह जाते हैं और बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर जाते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आशा करता हूँ कि जितने बच्चे भी हमारे से पढ़ रहे हैं और चैनल पर जुड़े हुए हैं तो उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में, बिल्कुल हिंदी में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। इसको दो तरीके से बताऊंगा, ट्रिक मेथड से, पहले मैं आपको बताऊंगा इसका एक फॉर्मूला मेथड है और एक है इसका ट्रिक मेथड, दोनों समझ लीजिएगा तो इजिली हो जाएगा, ठीक है। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ ₹6,450 ड्यू टू इन 4 ईयर एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6,450 रुपए का एक डेब्ट है, एक उधार लिया गया है, ठीक है, और वो डिस्चार्ज करना है यानी कि पे करना है कि 4 साल में, और उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा 5% का लगेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो पूछा कितने ईयरली इंस्टॉलमेंट बनेगी, यानी कि साल में कितने की एक इंस्टॉलमेंट बनेगी, कितना इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा कि 4 साल में 6,450 भी चला जाए और 5% का जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी उतर जाए। समझे आप इस चीज को, भाई मान लीजिए ए है, एक बंदा ए है, बी से उसने 6,450 रुपए लिए, और जब ए से उसने 6,450 लिए बी ने, तो ए ने बोला उसको कि आपको ये 4 साल में हमें वापस करने हैं और इसपे जो 5% का इंटरेस्ट लगेगा वो भी आपको पे करना है, ठीक है, और ये करना किस तरीके से, हर साल तुम मुझे एक इंस्टॉलमेंट दोगे, ठीक है, जिसमें आपका 5% इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा और जो मेरी अमाउंट मैंने 6,450 दी वो भी कुछ ना कुछ उसका भी पोर्शन इंक्लूड होगा। तो आपको बतानी वो इंस्टॉलमेंट बनेगी कितने की। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने का एक तो फॉर्मूला है, बड़ा सा लगता है बट ईजी है। देखिए 100 * a करना है, a मीन्स अमाउंट, जितनी भी अमाउंट उसने दी थी उसको, ठीक है,
फिर दूसरा है 100 into t यानी कि टाइम, और यहाँ पे आर टी और टी माइनस वन अपॉन में टू आपको करना है, ठीक है। तो 100 t का मतलब टाइम है, आर का मतलब रेट है, और टाइम टी का मतलब टाइम है, और टी का मतलब टी माइनस वन का यानी कि टाइम माइनस वन आपको और अपॉन में टू करना है। तो लिख लेते हैं, देखिए फॉर्मूला मेथड है, बहुत से बच्चे रटने में ठीक होते हैं, बहुत से बच्चे समझने में ठीक होते हैं, जो भी आपको अच्छा लगेगा वही कर लेना। नीचे एक मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ उसकी। तो 100 into 6 = 4 5 आपको करना है मल्टीप्लाई, फिर 100 into 4 टाइम है, 4 ईयर का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रेट है 5 5 into 4 4 टाइम है, और यहाँ पे टी माइनस वन यानी कि 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो जो चीज़ें कट हो सकती है कट कर लीजिए, 2 से जैसे 2 चला जाएगा, सॉरी 4 चला जाएगा 2 टाइम, तो आपके पास क्या बचा 100 into 6 = 4 5 0 6 450, और नीचे कितना बच जाएगा 5 × 2 = 10 और 10 की 3 में करेंगे 30, यहाँ पे हो जाएगा 430, ठीक है। तो नीचे आपका 430 हो गया, और ये आपका होगा 6450 था, 0 से 0 कट जाएगी, 43 से कट जाएगा 15 टाइम, तो आपका 15 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे कितना हो जाएगा 1500, यानी कि 1500 रुपये की इंस्टॉलमेंट बनती है। अगर 1500 रुपये 4 साल तक दिए जाएंगे तो 6450 भी रुपये वापस हो जाएंगे, और जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी वापस हो जाएगा, यानी कि 1500 रुपये पर ईयर की इंस्टॉलमेंट बनेगी। एक तो मेथड हो गया ये, दूसरा आपका ये है कि आप ट्रिक ये है, आप मान लीजिए 100 है, ठीक है, जो वो अमाउंट है आपने मानी 100 है, और 100 पे आपको 5% निकालना है, 5% निकालेंगे यानी कि 5 रुपये लग गए। अब तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो अगर पहले ईयर में 5% लग गए, दूसरे ईयर में 5 रहेंगे, तीसरे ईयर में 5 रहेंगे, चौथे ईयर में 5 रहेंगे, 4 साल में हमें पे करना है, तो हर साल 5% लगता चला जाएगा, यानी कि पहले ईयर में 5% लगेगा 105, दूसरे ईयर में 5 लगेगा तो 110, तीसरे ईयर में भी यानी कि चौथे ईयर में होगा, सॉरी ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे ईयर में भी आपका लगेगा 5%, तो ये कितना हो जाएगा 115, और ये किसके इक्वल होगा 6450 के, क्योंकि ये यही तो अमाउंट हमें पे करनी है, तो इसमें आपका क्या होगा 430 के बराबर हो जाएगा 650, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, मतलब वही क्वेश्चन बन गया ना ये, यहाँ पे आप ट्रिक सेव कर रहे हैं, वहाँ पे आपको वो एक फॉर्मूले के थ्रू समझ में आया, ठीक है। तो 6450 को इससे कट कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, ये कट जाएगा आपका 15 टाइम, तो 1 के बराबर अगर 15 है तो 100 के बराबर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 1500, तो यही आपकी पर ईयरली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है आज, और मैं सोच रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा समझा भी सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर करा सकूँ, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, और जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ शायद आप इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे हो। मैं चाह रहा हूँ यार अपने चैनल से बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लें ग्रुप डी में, ठीक है, इसलिए मैं एंड में आपके लिए बिल्कुल सस्ती करके टेस्ट सीरीज लेके भी आया हूँ, जिसका लिंक जो छोटा सा त्रिभुज होता है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको प्राइज वाइज सब कुछ मिल जाएगा, कोड भी मैंने वहाँ पे लिख दिया है, यानी कि जिस कोड को यूज करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं, 20% का डिस्काउंट सिर्फ टॉपिक स्टडी स्टूडेंट वालों को लिया, कोई अदर आके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज किसी को डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, ठीक है, जो चैनल के साथ में जुड़े हैं उनको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप खरीद लीजिए, 30 टेस्ट लगाइए, अब ज्यादा ना जितनी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उनको देखते रहिए, और टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में ना टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है, और वो आपकी तभी दूर होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगा लेंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो कुछ उसी तरीके से आपका पूरा डिजाइन कर रखा है वो, उसको जरूर देख लीजिएगा, और आशा करता हूँ कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइक शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।